जन्मदिन सामुदायिक भागीदारी से, सामाजिक भागीदारी से। जरूरी नहीं है कि संस्था का पैदा नहीं हो, हर गली और मोहल्ले में हर पड़ोस के लोग, हर खानदान के और बोले के लोग अगर अपने नजर होते जन्मदिन के खुशी मनाए, और जो उन्होंने 60 साल में संसार देखा है, दुख और कष्ट से निकले हैं और चुनौतियों का सामना करा है, हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ किया है, जो अब छोटी नई भारत की यंग इंडिया आबादी है जिसकी उम्र 14 साल से नीचे है, कपड़े लगते जूते तो उड़ाते हैं, स्कूल भी गाड़ियों पे जा रहे हैं, इकलौते या दुकलौते हैं, नाश्ते की करने के बाद प्लेट भी खुद रखे नहीं आते क्योंकि मम्मी वो ने नाश्ता खिला रही है, जूते भी नीचे बांध रही है। ऐसे ही हो रहा है ना मेरे जी, जो काम मैं और आप अपनी उम्र में हाथ से पूरा करते थे वो अब बच्चों की माए कर रही है, और ये बच्चे जब जवान हो रहे हैं तो इनमें कॉन्फिडेंस ना बना। आज मुलाकात करके 10,000 ग्रेजुएट लड़की लड़कियों को खड़ा करके और पत्रकार अगर जाए कैसे हाथ में पकड़ा दे तो बताओ पत्रकार तो तुम कैसे बोल पाते नहीं बोल पाते ना, बोलिए भी क्या है। इसलिए गली मोहल्लों में जाड़े में बैठी हुई बहने देखी, मतलब माता गर्मी में शाम को देखी हाथ में पंखा लिए हुए समय काट रही है, तो बेटों के घर में है और जहां तो कुछ वो आने की मेहरबानी जा रही है दिख लिखा है, जब ये तो लेके अब मौका ही नहीं मिल रहा है, स्वेटर सब रेडीमेड आ रहे हैं तो खुदी की स्वेटर भी बोलने का फैसला नहीं हो रहा। जो 20 साल पहले जब हम जा रहे थे तो दोस्तों को बैठा दिए थे, दे नहीं गलत कह रहा हूँ तो टोक दे तब बोल ले दे ना, जब ये तो बोल ले दे तो क्या अब ये दोनों कहीं नहीं करेंगे नहीं है बात से एक बार समझाता है कुछ करना भी चाहती है समझ नहीं आ रहा। अभी सुबह मुझे बैठ के बात बता रहे कि बोले हम खुद गाँव से हमें तो ही गाड़ी खड़ी हुई है उसके और मचक्के से देख रहे हैं शहर का। दिन भर करती क्या हो? दो भाग ले आती है खाना खाना। बहू की नहीं पूछ रहे आप क्या करती हो? आपकी उम्र में जब इनका मन हरक चलाने का होता है, हरक भी चलाएंगे जो बचपन में और जवानी में चलाई थी अब तक, इनका मन कुएं से पानी खींचने का होता है, यहाँ कोई कुआं मिलता नहीं, इनका मन चरखा चलाने का होता है, यहाँ कोई चरखा मिलता नहीं, बचपन में सीखा था छाछ से भटकना, जवानी में सारे घर का गेहूं छल्ली में छान देती थी, ना यह छाछ है वो क्या ना यह छल्ली, चटिया पे दलिया ताजा पीस के परिवार को खूब खिलाया होगा जवानी में, अपने बेटों को खिलाया होगा, अब मन करता होगा पोता पोती को भी मैं दलिया बना के अपने हाथ से खिला दूं, लेकिन चटिया नहीं है ना, चटिया नहीं बाजरे को छड़ा कर देते हैं, पोथली में छड़ा कर देते हैं, देखो जब ये पहुंच जाएगी तो इस उम्र में आप कर लो, तो आपको न ओखली मिलेगा न मूसल मिलेगा। बहन जी घर में ओखली बची कैसी खुशी होगी, फोटोग्राफर इनकी फोटो खींचो ओखली का नाम सुनके गुलाब के फूल की तरह खिल गई हमारे में, कमल के फूल की तरह खिल गई है ओखली।
karena जो चीज वो पहले थी जो अब नहीं मिल पा रही, आप कैसा महसूस करते हो? आपका टाइम कैसे कटता है? ये अब तुम्हारा टाइम बस खराब ही कट रहा है। बच्चे खिलाते हो? बच्चे को खिलाने भी जो लड़का कमा के ना बहु पैसे डाल ले, हमें तो कोई नहीं। नहीं अम्मा, आपका जो पुराना समय था, आपका जो पुराना समय था और अब नया समय है, आपको अपना पुराना समय अच्छा लगता है या नया समय जो है वो अच्छा लग रहा है? बेटा हमें तो पुराना ही समय अच्छा लगा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या चेंजिंग हुई है अभी तक आपके समय से? और जो आप जैसे थाली रहते हो अब अच्छा लगता है, जब काम करते थे तब अच्छा लगता था? अब तो जैसा भी समय कट रहा है ऐसे काटना पड़ेगा। आपकी जो औरत है अगर तुमसे बनवाने लगे हैं जो गैस चल रहे, तो आप कैसे महसूस करेंगे? बना सकते हैं? गैस पर ही बात कीजिए ना, तो चूल्हे में बना लो, गैस पर ही बात ना, मैं तो गैस चला रहा हूं। आइए मट्टी की हंडिया में सुबह पति उठे नहीं और ससुर गए खेत पे। अरे जब नई नई छोटी छोटी निराली सी बहू होगी ना आप लोग, तो उसमें वो दही जमा के और वो रही से यो करके जो क्या निकालती थी वो निकाले हुए कितने दिन हो गए? मुझे से रहने दो मेरे पास ना हो, उनकी यादें मुझे इतना सताओ, मुझे से रहने दो मेरे पास ना। बड़े प्यार से जब आप लोग बहुत ही तो सास बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग सास से पीड़ित नहीं होगी, बहू से पीड़ित होगी। तुम्हारी बहू सास से पीड़ित हो यानी तुम से, तो भूली बिस्री यादें हैं प्यार से भ्राती थी गांव के साथ, किस किस तरह लाल गुलाल करती थी तुम्हारी साथ, फैशन अलग था। अब जब तुम अपनी बहू को वैसे दार करना चाहती होगी और नए जमाने किया तो कहती होगी कैसी तुम्हारा सास, प्यार से बना कर अपनी हाथ भी लगा दोगी तो अपने बहुत से बाप कहते होगी मेरी सास बड़ी गांव की है, बड़ी पुराना विचार कर रखी है। तो प्यार करने के जो तरीके तुम्हारी सासों के थे और आज जो प्यार पाने के तरीके बहुओं के हैं, दिल दोनों में है, दूरी दोनों में घटी नहीं है, तरीकों में महिला। एक महिला बड़ी खुश होती थी दुर्गे जी, उसकी सास उसकी बात करने लगी ना ऐसे कॉली बनती थी, देख सो जाती थी वो दिल्ली बिल्ली की पड़ी आ गई आपकी तरह। सभी पूरी फैमिली की पूरे परिवार वाले थे लेकिन कोई नहीं था, क्या ऐसा हो सकता?
लेकिन जितनी भी जगह देखा जन्मदिन साल वगैरह बुजुर्गों की कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, क्या वो खाना नहीं जानते या खुशी मनाना नहीं जानते? जब वो हमको बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, तो हर चीज वो खुशी मनाते हमारी, तो फिर आगे की जनरेशन भी हमारे साथ वही करेगी। आज जब जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं वो बच्चे हमारे साथ करेंगे। हम बच्चों को आज हॉस्टल में छोड़ देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, हमको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, इसमें बच्चों की कोई कमी नहीं है। और सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होती है उसमें लड़की की होती है। बेटा कोई अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता, इसलिए हमें लड़कियों को संस्कार सिखाने चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार देंगे। लड़का कोई लड़की, मैंने अपनी सबसे पहले नानी को देखा, और उनको दो दो बेटे थे, लेकिन वो बहुत दुखी, हमेशा उनको खाने को नहीं मिलता था, इच्छा तक हो गई कि कभी बेटा पैदा नहीं करूँ। सेकेंड अपने मम्मी पापा को देखा। ये नहीं कि मैं किसी और की कहानी सुनाऊंगी आपको या हिस्ट्री सुनाऊंगी, उसमें लिखने वाला पता नहीं क्या क्या लिखता है, ग्रंथों में पता नहीं क्या क्या है, मनगढ़ंत भी है कुछ और कुछ रियल भी है, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगी वो रियल बताऊंगी। फिर अपने भाई को देखा कि मम्मी पापा को कैसे रखता है, लेकिन मैं उन सब चीजों से परे थी। इच्छा फिर से खत्म हो गई कि बेटा नहीं होना मेरे पास, क्योंकि शायद बेटियां ही माँ को सही से रख पाती है। ये आप भी मानती है, हर माँ मानती है, हर लेडीज मानती है कि बेटी को बेटी ही सही रखती है, लेकिन फिर भी भ्रूण हत्या माँ ही कराती है, कभी बाप फोर्स नहीं करता। कोई एक चांस हो जाता है कि बाप फोर्स कर रहा होता है कि बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको मारने वाली माँ होती है ना कि बाप या कोई भी। अगर औरत ठान ले कि बेटी पैदा ही करेगी तो होगी, और 100% पॉपुलेशन लड़कियों की होगी, लेकिन ऐसा कोई लेडी सोचती नहीं है। सास खुद ये सोचती है, अपनी बहू से कहती है कि बेटा होना चाहिए, और बेटा उसके साथ गलत कर रहा होता है, होता होना चाहिए। इसमें लेडीजों का क्या दोष है? अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा है तो उसमें दोष सिर्फ और सिर्फ एक जेंट्स का होता है, उसके पति का होता है, क्योंकि औरत और मर्द के अंदर एक ऐसी बात करी जो साइंस की है और जो डॉक्टर जानते हैं और सभी जानते हैं, लेडीज जो नहीं पढ़ पाती वो नहीं जानती। 22 जोड़े होते हैं महिला और पुरुष दोनों में जो हमारे स्तंभ के होते हैं जिससे बेटी बनती है। एक 23 का जोड़ा होता है सिर्फ वो जेंट्स के अंदर होता है, वो एक्स वाई होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मर्द के अंदर होता है, तो उसको एक मर्द ही दे सकता। लेडीज का कभी दोष नहीं होता कि बेटी पैदा लेडीज कर दे, या उसकी कमी से हो रही है, या उसकी कोई राशि की कमी है, कोई राशि फल नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ साइंस का मेथड है कि जो ये युग होता है वो सिर्फ एक्स वाई का जेंट्स के अंदर होता है, लेडीज के अंदर कभी नहीं होता। 23 का जोड़ा जेंट्स के अंदर होता है, इसलिए महिलाओं का कोई दोष नहीं है बेटी में। इसलिए हमें अपनी बहुओं को भी सहारा देना चाहिए कि पोती पैदा हो रही है उतनी ही खुशी मनाए जितनी हम बेटों की मनाते हैं। आप लोगों के लिए मैं जो ये करती हूँ या हमारी संस्था सब मिलकर जो कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों में, आपके संस्कार हम सीखना चाहते हैं। आपने जो सीखा है, आपने सारे चाके चूल्हे सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन एक चेक को अभी तक नहीं छोड़ा है, वो है चूल्हे, या छोड़ दिए चूल्ही वही की वही है जब भी चूल्हियां करती थी सास वाली। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटियों को बहुओं को सब बराबर समझना चाहिए। हम भी समझेंगे जब हम अपनी सास मांगी जब करेंगे तो बहुत मेहरबानी भी करेंगे, कभी आएंगे जो भी होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ हम इसलिए बांटना चाह रहे हैं कि आप लोग 60 हो गई और अभी हम 20 में है, तो आपकी जिंदगी को हम जीना चाहते हैं। कल है ना हमको कुछ हो जाए तो हम चाहते हैं कि पहले हम 60 की जिंदगी जी लें, बाद में जवानी वाली जी लेंगे। धन्यवाद।
नाम आपका? आज जो ये सभी महिलाएं जो इकट्ठा हुई हैं आपके जन्मदिन के उपस्थित में, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अब से पहले भी आपने कभी बर्थडे मनाया है? अच्छा, बचपन में ही अपने आपके माँ बाप ने मनाया। आप तो आज जो जियो की संस्था ने आपका जन्मदिन मनाया है तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप ये चाहते हैं हर बुजुर्ग महिला का बर्थडे मनना चाहिए? जैसा आपकी एनजीओ कार्य कर रही है बुजुर्ग महिला के लिए, क्या आप चाहती हैं सभी महिलाओं के लिए ऐसे ही कार्य किया जाए? आज आपकी सहेली का जो एनजीओ ने आज जन्मदिन मनाया है, आपको कैसा लग रहा है? आप आप चाहती हैं कि आपकी एनजीओ इसी प्रकार हर महिला का इसी प्रकार जन्मदिन मनाया जाए? चाहते हो कि जैसा इन लोगों का बर्थडे मनाया है ऐसा हम सभी का भी बनना चाहिए? हाँ, ऐसा सबका बनना चाहिए। जैसे आज बहुत बताई थी पुरानी पुरानी बातें, जैसे आप पुराने उसने ख्याल में पहुंच गए, आपको कैसा लगा? कुछ इमोशनल हो गए थे आज? अच्छा लगा। नहीं, जैसे नई जनरेशन है, पुराना टाइम जो था बुजुर्गों का वो था, उस टाइम इतनी फैसिलिटियां नहीं थी जो आज के टाइम में फैसिलिटियां हैं। आपको नई टाइम से पुराने टाइम में लेके तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? आप अच्छा, हम देख रहे थे आप बहुत इमोशनल हो रही थी। और तो अच्छा है उस टाइम को, अपने पुराने टाइम को देखते हुए नया टाइम जो है वो अच्छा है। लेकिन बता दें वो बहुत परेशान करती हैं आपकी, तो कैसे अच्छा लगता है आपको? परेशान तो कोई नहीं करता, ये तो घर घर की कहानी है। जो चला रही है आप, ये महिला उन्नति प्रशिक्षण संस्था के नाम से आप ही देख रही है, तो आज का जो प्रोग्राम आपने रखा है ये महिलाओं बुजुर्ग महिलाओं की तिथि जो जन्मदिन का, तो आपके मन में आया या संस्था का विचार बना था? तो ये पूरी संस्था का है और वर्ष में एक बार या महीने में? अभी तो हम लोग, हमने इसकी शुरुआत हिंदू नंबर से की है 2018 से। उस दिन हमने कमेटी का गठन किया कि हर वार्ड में 12-12 लोगों की कमेटी बनाएंगे, हर वार्ड के 12 बुजुर्ग वो जो बेसहारा है, बेसहारा वो थे जो छेटे होते हुए भी उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, उनको हम बेसहारा ही समझ रहे हैं, इसलिए हमने उनकी हर वार्ड में और वार्ड मेंबर के सहयोग से। आपकी कमेटी का क्या उद्देश्य है? जो बुजुर्ग महिला है उनके लिए क्या उद्देश्य है आपकी? कि हम सेवा कर सके उनको, जो सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं, जो युवा पीढ़ी तो बाहर जाके मीटिंग वगैरह अटेंड करके सभी को पता चली जाता है, लेकिन जो बुजुर्ग महिला है वो बस अपना राशन कार्ड लेके, पेंशन का कार्ड लेके दर बदर घूमती रहती है। हम चाहते हैं, पता नहीं चलता। हमारा सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि उन महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, जितनी योजना आती है उनको सारी बताना, उनकी ऑनलाइन फॉर्म भरवाना, ये हमारा सबका सहयोग है। जैसा कि बहुत सारे चलता हो रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपका प्रोग्राम पहले भी सुनने में आया था कि महिलाओं की प्रति कुछ ज्यादा रहा है कि उनकी उन्नति के लिए, पढ़ाई के लिए, जिस तरह भी है? हाँ, महिलाओं पे ही ज्यादातर हमारा फोकस है पूरा पूरी तरह से। तो इसमें बेटियों के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बेटियों के विषय में अभी हम एक शुरू कर रहे हैं, अभी हमने जो मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान में कानून बना है कि नाबालिग कन्याओं के बलात्कार को फांसी की सजा हो, तो हम सभी लोग सरकार के सहयोग से लगे हुए हैं कि हम कम से कम 10,000 महिलाओं के सिग्नेचर करा के ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कानून बने कि जिससे जो नाबालिग कन्या है 12 साल से नीचे जी, उनका अगर बलात्कार होता है तो उसके लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये कानून होना चाहिए, इसके लिए हम सभी तैयार हैं। इस संस्था में कितने हैं? 50 तो जो मैन बॉडी है वो है, और जितने भी मेंबर आते हैं, जो जुड़ना चाहता है, जो भी महिला जुड़ना चाह रही है, जो सहयोग करना चाह रही है, वो हम उनको जोड़ते हैं। इसमें केवल महिला ही है? नहीं, जेंट्स भी हैं। आपकी जो संस्था है वो महिला, ग्रामीण महिलाओं के लिए भी कुछ कार्य कर रही है? बिल्कुल, पहले तो हम गाँव से ही है, तो सबसे पहले हमने शुरुआत गाँव से ही की है, और गाँव की महिलाओं के लिए सिलाई पार्लर, जितनी महिलाओं की नीड होती है, जो उनकी जरूरत है, जो भी वो सीखना चाहती है,
प्रधानमंत्री जी ने अपने वो बना दिए सेंटर, शहरों में बने जितने कौशल विकास के बने कोई भी गांव में नहीं होगा। तो मीडिया, हमने, मीडिया के थ्रू जैसे कि आपके बैनर पे लिखा हुआ है कि आओ चलो कुछ उनसे सीखें, मीडिया के थ्रू आप पूरे बस भारत के अंदर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगी जो मैंने ये लोगों दिया है कि आओ चलो कुछ उनसे सीखें। इनको मरना तो देखो सभी को होता है, बुजुर्ग महिलाएं कुछ दिन में हो भी सकता है कि भगवान को प्यारी हो जाए, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनको जो सामान आते हैं, अचार आज हम नहीं डाल सकते जो ये डाल सकती थी, वो स्वेटर हम नहीं बना सकते जो ये बना सकती थी, वो कढ़ाई हम नहीं कर सकते जो ये कर सकती थी। हम चाहते हैं कि हम ये इनसे सीखें। अभी आपकी संस्था में क्या क्या कार्य चल रहे हैं? अभी हमारी संस्था में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है, सिलाई कढ़ाई बुनाई सॉफ्ट टॉयज की ट्रेनिंग होती है, जितनी महिलाओं की जरूरत होती है जो वो सीखना चाहती है वो हम गांव गांव में जाके सेंटर खुलवाते हैं और वहीं से उनको टीचर प्रोवाइड कराते हैं कि कोई दुर्घटना लड़कियों के साथ बाहर आने पर ना हो। ठीक है।